full plate of sherry. The owner was so generous. Actually, these are very delicious. Hello guys, welcome back to the channel. Welcome to another video, guys. It's a fresh video, fresh start, and a fresh adventure. We are beginning with something really crazy, and the trip destination, you'll get to know that soon on the way. फिलहाल के लिए अभी लेट हो रहे हैं, जल्दी से निकलते हैं. टाइम इज 1:20 AM एंड या रात में हम लोग निकल रहे हैं. हम कैसे हैं ये भी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा. ये सब आपको पता चलेगा आगे. वीडियो को देखते रहिए. फॉर नाउ वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, यू वॉचिंग EWR व्लॉग्स. Start off another adventure, something really amazing. Guys, ये हम आ गए करनाल के टोल पे. ढाबे पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, फिर यहीं से तेल भी डलवा लेंगे. Guys, just took a stop. चाय की चुस्की के साथ बढ़िया सा नज़ारा और इस फराटे के साथ. 4 बज गए. कहाँ रुके हैं दिखाता हूँ मैं आपको. टेस्ट ऑफ इंडिया. हम लोग चंडीगढ़ पहुँच गए हैं और फिर चढ़ जाएंगे ऊपर हाईवे की तरफ. फिर थोड़ी देर बाद आ जाएंगे हमारे पहाड़. टाइम हो रहा है फिलहाल 5:49. गाइस, द ट्विस्टीज हैव स्टार्टेड. है इसमें ये एग्जैक्टली क्या जगह पड़ती है? कंडाघाट. गाइस, कंडाघाट पहुंच गए हैं. पीछे बाइक खड़ी है, वहां से फ्यूल टॉप अप लिया है और अब पी रहे हैं हम चाय पी रहे हैं यहां से. बाकी राइड काफ़ी मज़ेदार रही यार. क्या मौसम है यहां पे. दिल्ली में ऐसी सड़ी गर्मी थी, दिमाग ख़राब हो गया. और यहां के जो राहत मिली है ना. ₹1,082 का फ्यूल आया 10 लीटर के करीब, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में थोड़ा सा सस्ता है, ज़्यादा नहीं है. ₹1-2 का ही डिफरेंस है. गाइस, शिमला पहुँचने वाले हैं और धूप निकल गई है. जहाँ हमने फ्यूल डलवाया था वहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा ब्रेक ले लिया लंबा. ये आ गया टनल. थ्योक पहुँच गए हम. ऑलराइट गाइस, सो द अपडेट इज दैट वी आर लुकिंग फॉर अ होम स्टे या कहीं कैंपिंग करने की जगह. वहाँ होटल में रुकने का प्लान कैंसिल हो गया. हत्याना अभी पीछे छोड़ दिया हमने, अब नारकंडा की तरफ जा रहे हैं. Yes guys, you heard it right. It is thundering. बाहर बादल गरज रहे हैं और हम लोग आ गए थे गाइज नारकंडा. शिलारू में यहाँ पे रूम ले लिया था. थकावट इतनी थी कि बस आई जस्ट पास्ड आउट मैन एंड जस्ट क्रैश्ड. So we got a nice place, nice accommodation. And अभी करंटली हमें शिलारू में नारकंडा के पास, मतलब नारकंडा ही पड़ता है ऑलमोस्ट. एंड डिस्ट्रिक्ट तो ऑफकोर्स शिमला ही है. जगह जो है, दिस इज़ लाइक अ होम स्टे दैट वी गॉट, मानस होम स्टे. तो यहाँ पे मैं आपको व्यू बाहर का दिखाता हूँ. अभी सॉरी थोड़ा सो गए थे तो लाइक अर्ली जो आवर्स में जो व्यू था वो नहीं दिखा पा रहे हैं. बट बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस यहाँ से. एंड या थकान थोड़ी दूर हो गई है, रिलैक्स कर लिया एंड यू नो लंच भी कर लिया था. खाना भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था. तो जो होम स्टे की डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मेन हाईवे पे ही पड़ता है इनका होम स्टे, सो आपको कहीं अलग से नहीं जाना पड़ेगा. नेशनल हाईवे 5 पे ही है, जो कि आपका सीधा आगे तक जाता है समदो नाको, मतलब गाजा तक जो जाता है. एंड बट लोकेशन बहुत ही प्यारी है. लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ. फील्स लाइक इन द लैप ऑफ द नेचर with a beautiful veranda that they have, something like this. That's just the glimpse. बाकी मैं आपको दिखाता हूँ.
एंड कौन आए हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही है गाइस, वो प्राणी प्राणी जो हमारे साथ चल रहे हैं इस बार खतरनाक ट्रिप पे। और क्योंकि हमारी कलाकारी ब्रश लाना भूल गए हम, तो आज पहाड़ी ब्रश से करेंगे मर्लिन रेनबो सॉफ्ट। वाओ, पहाड़ भी खुश हो रहे हैं हमारी आने की खुशी में, और हवा के चल रही है एकदम चिल्ड। वाओ, और अभी अभी बारिश हो के चुकी है, थोड़ी देर बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बट क्या नज़ारा है। तो ये हमारे रूम है उधर, और वहाँ रूम से बाहर एंड जो ओनर है गाइस यहाँ पे, उनकी चेरी फार्मिंग होती है यहाँ पे। सो ये देख रहे हैं आप, ये चेरी के पेड़ हैं यहाँ पे। अभी हम टेस्ट भी करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं, बट नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ से, इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद है ये जगह। एक्साइटमेंट आई नो, मैं पहाड़ों पे आके बिल्कुल मतलब अंदर का बच्चा जाग जाता है। बहुत ठंडा है यार। फुल प्लेट ऑफ चेरी, द ओनर वॉज सो जेनरस। उन्होंने, उनकी फार्मिंग है यहाँ पे चेरी की, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, उन्होंने कहा आप टेस्ट भी कर लीजिए, और पूरी प्लेट भर के। वाओ, एक्चुअली दीज आर वेरी डिलिशियस। गाइज सॉरी, कल थोड़ा सा रेस्ट करना था, नींद आ रही थी तो सो गए थे डिनर विनर करके, एंड वीडियो एंड नहीं कर पाए। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज, एंड कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, चेरीज आपको अच्छी लगी या नहीं। द ओनर वॉज वेरी जेनरस, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी हमें चेरीज निकाल के दी, ये देख रहे हैं आप पीछे, एंड इट वॉज अमेजिंग टू ईट दोज चेरीज एंड एन्जॉय। सो एनीवेज, आई कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। दिस इज EWR व्लॉग्स साइनिंग ऑफ। भाई सीन ये हुआ है कि कवर वहाँ से ऊपर से बाइक खड़ी हुई थी चेक पोस्ट पर, हवा से उड़ के इतनी तेज़ हवा चल रही थी, यहाँ आ गया, उड़ रहा था, और मैंने जल्दी से एक पत्थर फेंका, पत्थर फेंक के उसको रोक दिया है किसी तरीके से हमने। हाँ हाँ, देखो ये उन्होंने कितना दिमाग वाला काम किया, कवर उड़ रहा था यहाँ से पत्थर फेंका तो वो उस पर टिक गया, अब वो उड़ेगा नहीं।